क्या आपने गोल्ड यानी सोने की कार देखी या चलाई है? और क्या होगा अगर आपको घर पर शराब पीते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया? क्या आपने कभी बिल्ली और कुत्ते की जगह शेर और चीते को पाला है? नहीं? अच्छा, तो आपका ये सवाल है, ये सब होता कहाँ है? तो दोस्तों, ये सब होता है दुनिया के अमीर देशों में शुमार, दुबई में। तो आज हम बात करेंगे दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आप दुबई के ट्रिप का प्लान बनाने लगोगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इनोवेटिव कलाकार को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का आइकन दबा लें, ताकि मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। 1960 से पहले दुबई एक रेगिस्तान क्षेत्र था, जिसके बाद यहाँ तेल की खोज हुई, जिस वजह से दुबई का तेजी से विकास होने लगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है, और सबसे तेज चलने वाले लिफ्ट भी बुर्ज खलीफा में ही है। बुर्ज खलीफा के अंदर 24 कैरेट गोल्ड से इंटीरियर बना हुआ है। वैसे 2020 में बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, जिसका नाम है द टावर ऑफ द क्रीक हार्बर, जो लगभग 1300 मीटर बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में है, जिसमें 1200 से अधिक स्टोर हैं, जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। दुबई में इतना सोना है कि वहां सोने की गाड़ी लोग चलाते हैं, है ना गजब? और ये कार आपको दुबई के रोड पर आसानी से दिख जाएगी। और दुनिया में सबसे लंबी सोने की चेन यही है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और वजन 22 किलो का है। इस चेन को 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा था। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ एटीएम से भी सोने के सिक्के और बिस्किट निकलते हैं। यहाँ शादी से पहले किसी भी लड़की से संबंध नहीं बना सकते और साथ में नहीं रह सकते, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। अगर आप शराब पीते हैं तो ये फैक्ट आपको अंदर से हिला देगी, क्योंकि दुबई में शराब पीने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ना ही आप शराब पी सकते हैं और ना ही शराब घर पर रख सकते हैं। अगर आप टैक्स नहीं भरते तो आपको दुबई में होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दुबई में किसी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ता। अगर आप दुबई से किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मनी ट्रांसफर फीस चुकानी पड़ती है, वो भी बिना टैक्स दिए। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात का हॉलीडे कैलेंडर लागू होता है, यानी कि यहाँ संडे को काम पर जाना पड़ता है, फ्राइडे एंड सैटरडे को छुट्टी होती है। दुबई में लोग कुत्ते बिल्ली पालने की बजाय जंगली जानवरों को पालते हैं और अपने साथ कार में बिठाते भी हैं। 2020 तक आपको सबसे बड़ा डिज्नीलैंड देखने को मिल जाएगा, जो अभी के डिज्नीलैंड से भी बड़ा होगा। वैसे सिर्फ तेल की वजह से ही दुबई इतना डेवलप नहीं हुआ। दुबई की अर्थव्यवस्था का 6% भाग ही तेल पर निर्भर करता है। दुबई का ज्यादातर इनकम टूरिज्म और बिजनेस से आता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस कोर्ट दुबई में बुर्ज खलीफा के छत पर बना हुआ है, और फॉर्मूला रोजा दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर है। दुनिया का लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क फरारी वर्ल्ड भी यही है। दुबई में क्राइम रेट 0% है। यहाँ की पुलिस के पास कोई साधारण कार नहीं होती। दुबई पुलिस के पास फरारी से लेकर बेंटली तक सुपर कार होती है, और ट्रैफिक जैम में आपको सुपर कार्स की लाइन दिखने को मिल जाएगी। दुबई में कोई एड्रेस सिस्टम नहीं होता, वहाँ के एड्रेस में कोई जिप कोड पिन कोड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी एरिया में जाना है तो आपको उसके आसपास किसी फेमस जगह के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया का एक लौता 7-स्टार होटल आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है, और इस होटल का नाम बुर्ज अल अरब है। इस होटल का दिन का किराया 13 लाख रुपीस है। बाप रे, है ना गजब। दुबई में कैमल को पार्क करने के लिए अलग से पार्किंग एरिया बनाया गया है, और दुबई के रोबोट्स कैमल की रेस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये काफी हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद नेपाल जुमेरिया आइलैंड को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा वाला बेहतरीन लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद।
है।